सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोमवीर कैनन को, साथ ही साथ इस घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ साथ लाइक भी करें। हेलो गाइज, आज हम आपको सोल्डरिंग आयरन सिखाने वाले हैं। सोल्डरिंग कैसे की जाती है, सोल्डरिंग आयरन किसे बोलते हैं, आप सब बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सोल्डरिंग आयरन होता क्या है। आज हम आपको वही दिखाएंगे और सोल्डरिंग करना सिखाएंगे भी। अगर घर में कोई चीज़ खराब हो जाती है, किसी का वायर टूट जाता है, तो उसको कैसे जोड़ा जाता है सोल्डरिंग आयरन की सहायता से, वो हम आपको सिखाएंगे। जब हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड आते हैं या कोई मोबाइल का मदरबोर्ड आता है, टेप रिकॉर्डर के बोर्ड आते हैं, रेडियो का कोई बोर्ड आता है, किसी भी एक्स वाई जेड जैसे कोई इंडक्शन चूल्हा है, किसी भी जो बोर्ड आते हैं उनमें जो सर्किट जुड़ते हैं वो सोल्डरिंग आयरन की सहायता से ही जोड़े जाते हैं। वो कैसे जोड़ते हैं, अगर कोई सर्किट टूट जाता है तो उसको कैसे नया लगाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, वो सोल्डरिंग आयरन से होता है। आज हम आपको सोल्डरिंग आयरन के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे। देखिए हमारा ये वीडियो। ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है, इसको सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। ये 35 वाट का आता है। ये सोल्डरिंग आयरन है, ये 25 वाट का है। आप कोई भी काम करते हैं तो वायर अगर थोड़ा सा मोटा होगा तो छोटे 25 वाट से सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए आप 35 वाट का यूज कीजिए। हम तो 35 वाट के लिए बोलेंगे, आप बाकी आपकी मर्जी। ये कम से कम बाजार से 40-50 रुपए का आता है। ये सोल्डरिंग स्टैंड आता है, इसकी सहायता से इसको आयरन को इसके अंदर खड़ा किया जाता है। ये सोल्डरिंग स्टैंड बोलते हैं इसको। ये सोल्डरिंग पेस्ट होता है जो जो पॉलिश की तरह आता है, इसके बगैर तो सोल्डरिंग हो नहीं पाएगी। यूवेल फैक्स आता है, ये वायर अगर कहीं पे सोल्डरिंग कर दी और हमें वो सोल्डरिंग हटानी है तो इस वायर की सहायता से वो हटाएंगे, क्योंकि ये वायर लगाने पर ये सोल्डरिंग का जो वायर होता है उसको सोख लेता है और सोल्डरिंग आराम से हट जाती है। ठीक है, ये सोल्डरिंग वायर ये आता है, इसी से किसी वायर को जोड़ा जाता है। अगर आपके आयरन गर्म हो जाती है तो उसके पास ऐसे लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आयरन गर्म हुई है, ये तार जलने लगेगा, उस पर लगने लगेगा, अभी ये गर्म नहीं किया हमने, हम इसको गर्म करेंगे। अगर ये सोल्डरिंग आयरन खराब हो रहा है या मतलब साफ नहीं है, पॉलिश लगी हुई है यहाँ पे, तो उसकी पॉलिश को रेती वगैरह या रैग माल वगैरह से हटा लीजिए, वरना ये वायर चिपकेगा नहीं। ये वायर इसके ऊपर चिपकना चाहिए, जब चिपकेगा तो भी सोल्डरिंग आयरन हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। अभी हम इसको लगाते हैं एक बार। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जब भी आप सोल्डरिंग करेंगे तो वो कॉपर का वायर होना चाहिए। कॉपर के वायर पे, ओनली कॉपर के वायर पे ही सोल्डरिंग होती है। लोहे एल्यूमिनियम वगैरह पे किसी पे भी सोल्डरिंग नहीं होगी, आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें, लग ही नहीं पाएगा सोल्डरिंग। तो इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कॉपर के वायर पे ही सोल्डरिंग हो पाएगी। और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहते हैं कि कॉपर के जैसे ये वाइंडिंग आती है पंखे वगैरह मोटर वगैरह की, उन पे आप पॉलिश आती है, पहले उस पॉलिश को उतारना पड़ता है, या तो माचिस की सहायता इसको उसको जला लीजिए, वो पॉलिश जल जाएगी, फिर वायर पे सोल्डरिंग कर दी जाएगी। वरना अगर वैसे डायरेक्ट करेंगे तो नहीं होगी। दूसरा, आप रेती वगैरह से उसकी पॉलिश को साफ कर लीजिए, हो जाएगी सोल्डरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई वायर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है और उसके पास धूल मिट्टी जमी हुई है तो उस पर भी सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी, उसको अच्छी तरह से रेती से साफ कर लीजिए। जैसे ही हमारे पास ये है, अगर ये काला हो रहा है तो इसको ऐसी अच्छी तरह से थोड़ा साफ कर लेंगे तभी सोल्डरिंग हो पाएगी, वरना सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और आप बताना चाहते हैं हमें, ये आपके काम की चीज़ है, ये गुलगन आती है, इसको गुलगन बोलते हैं। ये किसी भी चीज़ को चिपकाने के काम आती है, जैसे बोर्ड के ऊपर वायरिंग की है और वायरिंग को एक जगह लगाना है तो इसे गुलगन की सहायता से चिपका सकते हैं। ये गुलगन स्टिक है, ये इसमें डाल के और इसको वायर को लगाया जाता है और इसको दबाया जाता है। इसको दबाने पर यहाँ पे से गुलगन गर्म होकर बाहर निकलेगा और आप वायरिंग वगैरह को चिपका सकते हैं। गर्म होने के बाद में ये लूज हो जाता है और ठंडा होने के बाद में एकदम टाइट हो जाता है और चिपक जाता है वायर वहीं पर। ठीक है, हमारा आपको बताना, सारे काम आपकी मर्जी। बाकी ये हमारी सोल्डरिंग गर्म हो चुकी है, थोड़ी देर में ये 2-4 मिनट में ही गर्म हो जाती है। ये काफ़ी दिन से रखी हुई थी इसलिए इसके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, ये हमने साफ कर ली है। अब हमारा सोल्डरिंग वायर ले लेते हैं। ये सोल्डरिंग वायर है, जैसे इसको लगाएंगे तुरंत ही जल जाएगा। देखिए ये हमारी सोल्डरिंग गर्म हो चुकी है। अगर ये धीरे धीरे जलता है तो समझ लीजिए हमारी सोल्डरिंग गर्म नहीं हुई है। अभी इस पेस्ट की सहायता से, पेस्ट के बगैर हम सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे। ये हमारा पेस्ट आता है, इसमें किसी वायर को थोड़ा सा लगा लीजिए हल्का सा और उसको इस सोल्डरिंग के ऊपर लगा दीजिए। ये हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है।
अगर बगैर पेस्ट के लगाएंगे तो हमारी सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी, पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। पेस्ट के बगैर सोल्डरिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। हमारा मकसद आपको सोल्डरिंग सिखाना था, हमने सिखा दिया, बाकी आपकी मर्जी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एक लाइक तो यार बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों।